नमस्कार, आप देख रहे हैं युग कथा और आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड कैसे चूर चूर किया। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। उनकी इस भावना को श्री कृष्ण ने समझ लिया। एक दिन वह अर्जुन को अपने साथ घुमाने ले गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उसका व्यवहार थोड़ा विचित्र था। वह सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर से तलवार लटक रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, जीव हिंसा के भय से सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का यह उपकरण तलवार क्यों आपके साथ है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूं। आपके शत्रु कौन है? अर्जुन ने जिज्ञासा जाहिर की। ब्राह्मण ने कहा, मैं चार लोगों को खोज रहा हूं ताकि उनसे अपना हिसाब चुकता कर सकूं। सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देते, सदा नारायण नारायण कर उन्हें परेशान करते रहते हैं। फिर मैं द्रौपदी पर भी बहुत क्रोधित हूं। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारा जब वह भोजन करने बैठे थे। उन्हें तत्काल खाना छोड़ पांडवों को दुर्वासा ऋषि के शाप से बचाने जाना पड़ा। उसकी दृष्टता तो देखिए, उसने मेरे भगवान को झूठा खाना खिलाया। आपका तीसरा शत्रु कौन है? अर्जुन ने पूछा। वो है हृदयहीन प्रहलाद। उस निर्दयी ने मेरे प्रभु को गरम तेल के कढ़ा में प्रविष्ट कराया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया और अंत में खंभे से प्रकट होने के लिए विवश किया। और चौथा शत्रु है अर्जुन। उसकी दुष्टता देखिए, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना डाला। उसे भगवान की असुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। यह कहते ही ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। यह देख अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मान गया प्रभु, इस संसार में ना जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इस संसार में भगवान के अलग अलग तरह के भक्त हैं। कोई भगवान की भक्ति में लीन रहता है, कोई भगवान को प्यार से भोजन कराता है, कोई भगवान के साथ नृत्य करना चाहता है, कोई भगवान को एकटक देखना चाहता है। अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, इसलिए कभी किसी की भक्ति पर सवाल खड़ा ना करें और कभी भी यह घमंड ना करें कि आप ही भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, युग कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।